अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अंगूरी डैम। अंगूरी डैम जो है इस्लामाबाद के मज़ाफात में वाक़ है, इंतहाई खूबसूरत सियाती मुकाम है, मरी के रस्ते में आता है और इस्लामाबाद से इसका फासला 30 से 40 मिनट का है। हम आपको अंगूरी डैम भी दिखाएंगे और लोगों से भी मुलाकात कराएंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका व्यू पॉइंट है और उम्मीद करता हूँ आप इसको इन्जॉय करेंगे। चले इसका सफ़र शुरू करते हैं। मरी रोड से होते हुए जाएंगे हम अंगूरी डैम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम गुजर रहे हैं बाराकाउ से। यहां से अगला मरहला है 17 मील चौक का। यहां मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि 17 मील पर आएंगी दो सड़कें। बाएं जानिब जाने वाली सड़क मरी जीटी रोड है, जबकि दाएं जानिब मरी एक्सप्रेसवे है। हम मुड़ेंगे दाएं जानिब, जहां 1 किलोमीटर सफर करने के बाद हमें नजर आ रहा है अंगूरी डैम का बोर्ड। इस पे हमें दाएं जाने मुड़ने का इशारा दिया गया है और हम इंटर हो गए अंगूरी डैम रोड पर। ये रोड हमें सीधा लेकर जाएगी अंगूरी डैम पर। जी जनाब, पहुंच गए हम अंगूरी डैम और ये पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है। इसके साइड पे पहाड़ हैं, बड़ा खूबसूरत पानी है, लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ इंजॉय कर रही है, फैमिलीज भी आ रही हैं, यहाँ लोग बारबेक्यू कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद से बहुत ही कम फासले पर वाक़ है, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आएँ, इंजॉय करें। लोग भी यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। मेरा नाम आयशा है। हाँ, हम लोग पिंडी से आए हुए हैं। ये जगह जो है वो मोटरवे के करीब है और इस्लामाबाद के भी काफ़ी करीब है अंगूरी, और बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है आजकल बच्चे घरों में जो है वो लिमिटेड होकर रह गए हैं, तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर आएँ। हम सब जो है वो मेरी फैमिली, हम सब कज़न्स मिल के जो है यहाँ पर आए हुए हैं और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और आज इत्तेफाक से मौसम भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में स्पेशली, वो यहाँ पे ज़रूर आए। सर, मेरा नाम गयास हुसैन अब्बासी है। ये 17 मील से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक चक डैम के नाम से एक तालाब सा है और ये अंगूरी रोड के ऊपर है, और इसका पानी कुछ मरी इलाका से जो है ना, इसका पानी जो आता है। दोस्तों, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ नहाने में मसरूफ़ है और आप भी आएँ, यहाँ इंजॉय करें। मगर एक अहम बात जो आपके साथ शेयर करता जाऊँ, यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से वाल चेकिंग भी की गई है और ऐलान करके भी लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ जगह पे पानी की गहराई जो है वो 60 फुट है। जनाब, जब भी नहाने के लिए आएँ, एहतियात से काम लें, गहरी जगह पर ना जाएँ, आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बाकी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अकेले आएँ, इंजॉय करें। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ नहाने में मसरूफ़ है।
ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم بھائی، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ راولپنڈی سے آئے ہیں، یہ شارٹ کٹ ہیں اور یہ جو نا اپروچبل جگہ ہے، یہاں غریب سے غریب تر بھی آ سکتا ہے، جو جیب پہ بوجھ بھی نہیں ہے۔ یہاں انجوائمنٹ کے لیے بہت کچھ ہیں، یہاں پانی ہے، یہاں آب و ہوا اچھا ہے، درخت ہیں، سبزہ زار ہیں، ادھر پانی میں بیٹھے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور آپ سب بھی ضرور ادھر آئیں۔ اپنی ویڈیوز میں پاکستان کے حسین مقامات کو دکھاتا رہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچے تو میرے چینل کے بی فلم پاکستان کو سبسکرائب کریں۔